दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, 2023 दिवाली पर राशि अनुसार जरूर करें ये उपाय। साल 2024 में महालक्ष्मी भरेंगी आपका भंडार। दोस्तों, ज्योतिषाचार्य से आइए जानते हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले 10 महाउपायों के बारे में। दोस्तों, यह छोटी छोटी जानकारियां आपको पता होनी चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, पर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं। यह वीडियो बनाने में दोस्तों सिर्फ आपके लिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 12 नवंबर दिन रविवार को दीपावली का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन से ही महालक्ष्मी वर्ष का भी आरंभ होता है। वैभव व सुख समृद्धि की कामना के लिए दीपावली के दिन महालक्ष्मी और गणेश जी का पूजन किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में दीपावली के दिन को महानिशा की रात भी कहते हैं। इस दिन अगर राशि अनुसार ज्योतिष उपाय किए जाएं तो जीवन में सुख समृद्धि आती है और महालक्ष्मी की कृपा से साल 2024 बहुत ही शुभ रहेगा। दीपावली के दिन को सिद्ध शुभ मुहूर्त माना जाता है, इसलिए इस दिवाली यह अवसर ना जाने दें। आइए जानते हैं दिवाली पर किए जाने वाले राशि अनुसार ज्योतिष उपाय के बारे में। दोस्तों, मेष राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। मेष राशि वाले दिवाली वाले दिन चांदी की डिब्बी में शहद, केसर और अपराजिता की जड़ रखकर उसे पूजन में शामिल करें और साल भर उसका पूजन करते रहें, लेकिन ध्यान रखें डिब्बी को न खोलें। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। वृषभ राशि वाले दिवाली वाले दिन माथे, नाभि और जिह्वा पर केसर मिश्रित जल का लेप लगाएं, साथ ही बुधवार वाले दिन जल से भरा मटका किसी गरीब व जरूरतमंद को दान करें, साथ ही बुजुर्गों व मजदूरों की सेवा से लाभ होगा। दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। मिथुन राशि वाले दिवाली वाले दिन हरी सब्जियों और चावल का दान करें, साथ ही बरगद की जड़ों में गुड़ मिश्रित दुग्ध अर्पित करें। दोस्तों, कर्क राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। कर्क राशि वाले दिवाली वाले से दिन से लेकर एक महीने तक हर रोज काली बांसुरी में गुड़ भरकर उसको भूमि में दबा दें, ध्यान रहे कि ऐसा करते समय कोई आपको देखे ना। दोस्तों, सिंह राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। सिंह राशि वाले दिवाली वाले दिन सफेद गाय की सेवा करें, साथ ही चावल व शक्कर का दान करें और शाम के समय बरगद की जड़ों में मीठा दूध अर्पित करें। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। कन्या राशि वाले दिवाली वाले दिन 12 बादाम को काले कपड़े की पोटली में बांधकर लोहे के डिब्बे में बंद करके किसी अंधेरे स्थान में रख दें, साथ ही शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को तैलीय भोजन अर्पित करें। दोस्तों, तुला राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। तुला राशि वाले दिवाली वाले दिन भोजन का प्रथम ग्रास गाय या अग्नि को अर्पित करें, मस्तक, नाभि व जिह्वा पर केसर मिश्रित जल का लेप करें, साथ ही सूर्य को लाल मिर्च के बीज युक्त जल को अर्घ्य देना उत्तम रहेगा। दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। वृश्चिक राशि वाले दिवाली वाले दिन मछलियों को आटे की गोलियां दें, साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराने से लाभ होगा। दोस्तों, धनु राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। धनु राशि वाले दिवाली वाले दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजन करें, साथ ही गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें। दोस्तों, मकर राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। मकर राशि वाले दिवाली वाले दिन एक लाल पोटली में गोमती चक्र बांधकर लक्ष्मी पूजन के स्थल पर रखें, फिर उसे पूजा के बाद धन के स्थान जैसे अलमारी या तिजोरी में रख दें। दोस्तों, कुंभ राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। कुंभ राशि वाले दिवाली वाले दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा दें और घर में चंदन के तेल मिश्रित जल से पोछा लगाएं,
साथ ही काली बांसुरी में गुड़ भरकर भूमि में दबा दें। दोस्तों, मीन राशि वालों के लिए दिवाली उपाय। मीन राशि वाले दिवाली वाले दिन सफेद गाय की सेवा करें और चावल व शक्कर का दान करें, साथ ही सूखे नारियल में मेवे मिश्रित शक्कर भरकर भूमि में दबा दें। दोस्तों, दिवाली के दिन अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो वह जरूर फलित होते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं। इस दिवाली करें ये 10 महा उपाय, धन धान्य से भर जाएगा घर। इस साल दिवाली का पर्व 10 नवंबर को धनतेरस के साथ शुरू होकर 15 नवंबर को भाई दूज पर संपन्न होगा। दिवाली के दिन अगर कुछ ज्योतिष उपाय किए जाएं तो वह जरूर फलित होते हैं और लाभ भी पहुंचाते हैं। ज्योतिषाचार्य से आइए जानते हैं दिवाली के दिन किए जाने वाले 10 महा उपायों के बारे में। दिवाली 2023 हाथी का उपाय। दिवाली वाले दिन घर में सोने या चांदी का हाथी स्थापित करें और उसकी दिवाली के दिन से नियमित पूजा शुरू करें। दिवाली 2023 कौड़ियों का उपाय। दिवाली के दिन 11 कौड़ियां लेकर उसे लाल कपड़े में लपेटे और फिर तिजोरी में रख दे, इससे धन में वृद्धि होने लगेगी। दिवाली 2023 सिक्के का उपाय। दिवाली के दिन न सिर्फ लक्ष्मी गणेश बने सिक्के की पूजा करें, बल्कि मंदिर में भी चांदी का सिक्का विधिवत स्थापित करें। दिवाली 2023 कलश का उपाय। इस दिन लाल कलश में नारियल और आम के पत्ते डालें, कलश पर रोली से स्वास्तिक बनाएं, अखंड दिया कलश पर रखें। दिवाली 2023 दीपक का उपाय। दिवाली के दिन 7 मुखी दीपक लक्ष्मी गणेश के आगे, फिर तिजोरी के आगे और फिर अंत में मुख्य द्वार पर स्थापित करें। दिवाली 2023 रंगोली का उपाय। दिवाली के दिन घर के मुख्य द्वार, मंदिर के आगे और घर की बालकोनी, इन तीन स्थानों पर रंगोली बनाने से घर समृद्ध बनता है। दिवाली 2023 कपूर का उपाय। दिवाली के दिन पूजा के बाद दीपक में 5 कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाने से धन दोष दूर होता है और नकारात्मकता नष्ट होती है। दिवाली 2023 लौंग का उपाय। दिवाली के दिन पान के 5 पत्तों में 5 लौंग रखकर मां लक्ष्मी को चढ़ाएं और फिर घर की पूर्व दिशा में उसे मौली से बांध का लटकाएं। दिवाली 2023 यंत्र का उपाय। दिवाली के दिन लक्ष्मी या गणेश यंत्र की मंदिर में स्थापना करने से जीवन के सभी दुखों का अंत होता है और सफलता मिलती है। दिवाली 2023 चावल का उपाय। दिवाली के दिन घर के 5 कोनों में छोटे छोटे कलश में चावल भरकर रखें और दिवाली के अगले दिन उन कलश को दान कर दें। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी के माध्यम से दिवाली के दिन इन उपायों को आजमा कर कई लाभ और मां लक्ष्मी एवं श्री गणेश की कृपा पा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।